सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर से बढ़िया और कोई मुझे तो लगता है इंडिया में कोई पढ़ाता ही नहीं है सर से बढ़िया। क्या बोलेंगे हमारे एक सारे स्किल उसके जैसा कोई तो ही नहीं सर। और आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मोबाइल टेक्नीशियन के मामले में किंग है सर वो। आप क्या बोलना चाहेंगे? एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। देव सर के बारे में पूछ रहा हूँ जो आपको आज क्लास मिली ग्राफिक्स की। सर देव सर बेहतरीन भगवान है और वो पूरे किंग है सर। क्या बोलेंगे उधर से नेपाल से? देव सर मोबाइल फील्ड के सबसे ऊपर के बंदे हैं सर। सर देव सर का कोई कंपेरिजन नहीं है किसी दूसरे। कंपेयर कर सकते हैं किसी टीचर से? बताओ मेरे को। ये जितनी भी टेक्निक देख रहे हो ना, ये जितनी भी टेक्निक देख रहे हो उनके खुद का आविष्कार करा हुआ है। तो आपने आईसीओ की लिस्ट देखी है ना, कहीं का कंटेंट नहीं है, चाइना में भी कंटेंट नहीं है, ये उनके खुद का बनाया हुआ है। जो आप सब बोर्नियो को भी गलत निकाल देते हैं सर। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे सर के लिए आप? देव सर तो बहुत बढ़िया सिखाते हैं सर, और इंडिया में ऐसा कोई सिखाता नहीं होगा जैसा देव सर सिखा रहे ना, ऐसा कोई मुश्किल से ये हो सकता है। क्या बोलना चाहेंगे आप? देव सर अभी तक के मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट टीचर हैं अभी, और इतना मेहनत से और इतना समय दे के हमको जो पढ़ाते हैं और हर चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। एक एक क्लास के एक बच्चे को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं और हर बच्चा लास्ट तक सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया करके। जी देव सर ज्ञान के सागर है, जो भी देख रहे हैं आइए, जितना ज्ञान लेके जा सकते हैं लेके जाइए। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, डीपली एक्सप्लेन करते हैं फाइनल तक। जो भी लंबा हो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आज उसने लाइट और ग्राफिक में डिवाइड कर दिया। आपके डिस्प्ले को उन्होंने वो चाहते तो एक दिन में समझा सकते थे, इसी करके पूरा ग्राफिक्स पूरा समझ में आया सर। 15 बॉल PMIIC सबका पूरा बहुत तरीके से आज प्रैक्टिकल भी किया है, पूरा क्लियर है सर बेस हमारा। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल है सर। हमारा चैप्टर था पूरा और बहुत अच्छी तरीके से सर ने सिखाया। 15 पिन की आईसी के बारे में पैड टू पैड नॉलेज दी गई, उसकी कितनी कहाँ पे क्या रीडिंग आ रही है, कैसे है और कैसे उसे ट्रेस करना है जैक पे, डिस्प्ले जैक पे, उसके बारे में पूरी नॉलेज दी सर ने। बहुत बढ़िया सर ने पहले थ्योरी हम लोगों को समझाया जी, बहुत डीपली समझाया देव सर ने। मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं समझा सकता इतनी बारीकी से, और हर चीज़ को डिवाइड कर करके सिखाया। अच्छा। लाइट अलग, ये अलग, वो अलग, ऐसे तो लाइट का हम लोग का कल सेक्शन है, आज सिर्फ ग्राफिक्स ही ग्राफिक्स समझाए हैं। उसके बाद अभी प्रैक्टिकल हुआ, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ कनेक्टर तक कहाँ तक आएगा, उसके बीच में क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे ख़त्म होगा, क्या वोल्टेज आना है, सब कुछ डीपली समझाया। क्लास में क्या किया सर? प्रैक्टिकल क्लास में भी जो उन्होंने पढ़ाया उसके प्रैक्टिकल में किया। आईसी लगाया, पैड चेक किया, वोल्टेज चेक किया, पैड चेक किया, GR चेक किया, सब करने के बाद ही आईसी को लगाया। जिसमें सर ने जहाँ से भी लाइन आती है, जैसे CPU से कितने लाइन आती है, पावर IC से कितने लाइन आती है और ग्राफिक IC से डिस्प्ले कनेक्टर पे कितने लाइन जाती है, पूरा नॉलेज दिया सर। जितना सरल हो सके उतना सरल करके बताते हैं सर, और जितनी भी प्रकार की जो कोडिंग है जिससे हम लोग डायग्राम समझ सकते हैं, जिससे हम प्रो लेवल के मैकेनिक बन सके, मतलब टेक्नीशियन बन सके, ऐसे टाइप के नॉलेज देते हैं सर। जितना सरल हो सके उतना सरल करके बताते हैं। तो ये सब करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा सर। सर देखने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन सर बताते ऐसे हैं कि एकदम सरल हो जाता है वो, और एकदम आसानी से दिमाग में भी घुस जाता है। और जैसे कुछ डाउट बच भी जाए तो थ्योरी के बाद तुरंत प्रैक्टिकल की जाती है, ताकि कुछ डाउट बच जाए तो वो क्लियर हो जाए। आपका ग्राफिक सब जगह फैला हुआ, तो सारी चीज़ों की जानकारी आपको इतनी जल्दी इतने कम समय में कैसे? सर उनका अनुभव और उनका नॉलेज ही ऐसा है कि सर एकदम से हम मतलब जो कुछ नहीं जानते उनको भी वो पूरी मतलब अब सीख गए सर। अब वो उनकी महानता है, उनकी अनुभव है, उनकी जानकारी है। चलिए हाँ। मतलब मिल जाएगा। आज आपने आईसी उठा के पूरा पेट की जानकारी सर, और वापस आईसी को लगे, वापस GR चेक करें बराबर, वापस GR ओके। कैसा लग रहा है सबका? अच्छा महसूस हो रहा है। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। फिर हम लोगों ने आईसी उतार के ग्राफिक आईसी निकाल के पूरा पेट को चेक किया और पूरा ट्रेसिंग करके फिर ग्राफिक आईसी पर लगाया। कैसा लग रहा है सब? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले ये काम करते थे? नहीं, आज आईसी तो मालूम ही नहीं था कि आईसी कहाँ पे लगा होता है, कैसा दिखता है। आज आईसी के पेट के बारे, एक-एक पेट के बारे में नॉलेज है। अब तो देख के ही बता देंगे। डायग्राम भी बनाया था आपने ग्राफिक आईसी की? पूरा डायग्राम भी बनाया। कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल की क्लास थी, इसमें बताया गया कोडिंग, वोल्टेज, GR, ये सब बताया गया, कहाँ से कहाँ लाइन जाती है, एंडलेस तक बताया गया। कैसा लग रहा है सब? बहुत बढ़िया सर। डीप लेवल तक समझा। और आगे अगर ग्राफिक्स के प्रॉब्लम से कोई मोबाइल आए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लग रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज तो नहीं है ग्राफिक्स का, तो आज एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। वो समझाने के बाद जो है हमको मालूम पड़ा ग्राफिक्स ऐसे में प्रॉब्लम आएगा तो क्या से क्या, अगर 3 से 4 पॉइंट ऐसे दे दिए हैं जिससे हम तुरंत बता के जज कर सकते कि ये ग्राफिक्स ऐसी, और तो 3-4 पॉइंट ऐसे दिए जैसे हम उसको तुरंत सॉल्यूशन कर सकते हैं। मतलब 15 से 20 मिनट में हम जो ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं और मोबाइल बना सकते हैं। कहना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम मतलब इंडिया का नंबर 1 एशिया टेलीकॉम और पैसा वसूल। तो आके जो हमको देव सर ने पढ़ाया था एकदम डीप नॉलेज में एंडलेस, उधर आके हम लोगों ने प्रैक्टिस किया एंडलेस तक। प्रैक्टिस में एक-एक पेट की जानकारी मिली आपको एकदम बिल्कुल लेवल वाली, एकदम किसी प्रकार का कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं है। एशिया टेलीकॉम मतलब फुल पैसा वसूल। खाली आपके समझ में आया कि पूरी क्लास के समझ में आया? सब इस क्लास के सब सारे स्टूडेंट के समझ में आया। अरे सबने प्रैक्टिकल किया है, सबने आईसी के एक पेड निकाल के चेक किया है, सब किसी प्रकार का कोई ग्राफिक्स में कंफ्यूजन नहीं है सर? ग्राफिक्स में कंफ्यूजन आया तो हर चीज क्लियर है आपकी? यस सर। कितनी देर में बना दोगे सेट अगर ग्राफिक्स का आता है तो? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट बनाते हुए एक वोल्टेज GR फ्रीक्वेंसी सब के बारे में नॉलेज है आपको? यस सर। सर ने कोई चीज बाकी तो नहीं रखी आपको देने में? कैसा लग रहा है सब करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए ठीक है। एशिया टेलीकॉम मतलब फुल पैसा सर, कैसा लगा उसने आपको? बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिकल करा यहाँ जी? प्रैक्टिकल भी हो चुका है। 15 बाल का आईसी दे दे, PMI दे दे, PML दे दे तो कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होगा है ना? कहाँ जाता है लाइन ये भी पता होता है, लाइन तक जी सर। वोल्टेज भी मालूम है जी? बिल्कुल। GR भी मालूम जी सर। कैसा लग रहा है सब? बहुत अच्छा लगा। एशिया टेलीकॉम मतलब फुल पैसा वसूल सर, एक बार में पूरा क्लियर हो गया सर। और फिर शाम में हमारी प्रैक्टिकल भी थी तो जितना भी डाउट था सब क्लियर हो गया। और हम सर वो चेक भी किए सर, ट्रेसिंग भी किए सर। यस सर, आईसी उठा के ट्रेसिंग भी किए एक-एक पॉइंट का भी सर। कैसा लग रहा है सब सर? बहुत बढ़िया। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल सर, बहुत अच्छा। खाली उन्होंने पर्टिकुलर कोई मोबाइल पे बताया कि सारे CPU पे बताया? सारे CPU बताया, जितने फॉर्मेट में ग्राफिक्स बनता है सारी ICU पे बताया जी सर जी पूरा। और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल किया यहाँ पे? हाँ, फिर इधर आके फिर प्रैक्टिकल किया पूरा, IC उठा के फिर उसका 15 बल का IC में कौन सा पॉइंट किधर कितना वोल्टेज आता है ये पूरा किया, उसका डायग्राम भी बना के। तो अभी कोई ग्राफिक्स का फॉल्ट आता है तो सेट वापस जाएगा कहते हैं? नहीं जाएगा सर, कैसे जाएगा? नहीं सर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीखो निकलना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? क्लास में क्या किया सर? प्रैक्टिकल क्लास में भी जो उन्होंने पढ़ाया उसके प्रैक्टिकल में किया। आपने आईसी उठाया, लगाया, पेट की जानकारी लिए, वोल्टेज चेक किया, पेट चेक किया, GR चेक किया, सब करने के बाद ही आईसी को लगाया। इन तक पढ़ा सर। अच्छा, कनेक्टर से लेके CPU तक। अच्छा, वहाँ से कितनी लाइनें आनी चाहिए, क्या RX लाइन है, क्या हमारा जो डाटा लाइन है, सारा मैंने पढ़ा। अच्छा, कितनी वोल्टेज कहाँ से सारा मैंने इंड बोले तो इंड सोल्यूशन है, इसका आगे कोई सोल्यूशन फिक्स की क्लास थी, इसमें बताया गया कोडिंग, वोल्टेज, जी आर सब बताया गया, कहाँ से कहाँ लाइन जाती है, एनलेस तक बताया गया। कैसा लग रहा है सब? बहुत बढ़िया सर। को मैं अगर 5 के 6 बजे के बाद अभी तक प्रैक्टिकल किया जी, आईसी को निकाल कर इसमें जीआर कितना वोल्टेज आया, कितना इन आया, कितनी कमांड आ रही, सब चेक किया, ट्रेसिंग किया। एसिएटेलिकॉम मतलब पैसा वसूल ग्राफिक का। और देवरतन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अच्छा समझाते हैं, डीप लेवल का समझाते हैं, बहुत अच्छा। और फिर बाद में हमारा प्रैक्टिकल क्लास हुआ। और प्रैक्टिकल में कोई चीज़ बाकी है कि आपने आईसी की उठा के आईसी की पैड लाइन चेक करी आपने? जी सर। आईसी की पैड लाइन से कनेक्टर तक चेक करी आपने? जी सर किया। आपको जीआर वोल्टेज की रीडिंग पूरी मिली आपको? जी सर पूरा। कैसा लग रहा है सब करके? बहुत अच्छा सर। एसिएटेलिकॉम मतलब पैसा वसूल। फिक्समा के समस्या हुन्छ, समस्या आउँदा ग्राफिक्स आईसीसम्म, आईसीको प्याडसम्म पुगेर कसरी सल्युसन निकाल्न सकिन्छ भनेर हरेक चिजको एकदम डिपली नलेज दिनुभएको थियो। त्यसपछि हाम्रो प्र्याक्टिकल क्लास भयो। प्र्याक्टिकल क्लासमा देव सरले जे पढाउनु भएको थियो, जे सिकाउनु भएको थियो, त्यो सबै चाहिँ प्र्याक्टिकल क्लासमा आएर प्र्याक्टिकल पनि गरियो, प्याड वाइज उठाएर पनि हेऱ्यो। ओभरअल सबै राम्रो थियो, सबै क्लास। बोलना चाहेंगे अगर कोई आसाम से आता है तो? जी बिल्कुल है सर, बेझिझक है। एसिएटेलिकॉम मतलब फुल पैसा वसूल। कैसा लगा उसने आपको? बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिकल करा यहाँ? जी प्रैक्टिकल भी हो चुका है। 15 बाल का आईसी दे दे, पीएमआई दे दे, बीएमएल दे दे तो कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? कहाँ जाता है लाइन ये भी पता होता है, पैड लाइन तक। जी सर। वोल्टेज भी मालूम है? जी बिल्कुल। जीआर भी मालूम? जी सर। कैसा लग रहा है सब? बहुत अच्छा लग रहा है। एसिएटेलिकॉम मतलब फुल पैसा वसूल। हाँ, मेरा नाम परमार महेश सिंह है, मैं गुजरात से हूँ। ग्राफिक्स के बारे में पूरा डीपली एंडलेस नॉलेज दिया सर। उसके वोल्टेज कितने आएंगे और वो कहाँ से आएंगे, पावर से, सीपीयू से, वो सब मतलब पूरा एंडलेस बताया। उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास हुई। प्रैक्टिकल क्लास में उसमें हमने ग्राफिक्स की पर्टिकुलर ट्रेसिंग की वो आईसी तक, और आईसी उतारने के बाद वो बाल में भी ट्रेसिंग की सर। ट्रेसिंग करके फिर आईसी लगा दी। इतनी कम समय में इतना नॉलेज कैसे संभव है सर? संभव है, एसिएटेलिकॉम में संभव है सर। एसिएटेलिकॉम मतलब पैसा वसूल है सर। अच्छा, मेरे साथ एक और स्टूडेंट सर, मैं यूपी से होता हूँ। मेरा अध्यक्ष के साथ ग्राफिक आईसी की क्लास थी, इसमें पूरी एंडलेस बनी, कहाँ वोल्टेज आते हैं, कहाँ 5 वोल्ट आते हैं, पूरा डिटेल में पता ही, कहाँ से सीपीयू में जाते हैं। फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल क्लास थी, बहुत अच्छा लगा सर। इंडिया का नंबर 1 बेस्ट इंस्टीट्यूट एसिएटेलिकॉम। एसिएटेलिकॉम मतलब पैसा वसूल। नमस्कार, मैं नेपाल से हूँ, राम राय। देव सर ऐसे पढ़ाते हैं कि कोई भी बच्चा अगर एकदम भी फ्रेशर हो उसको भी नॉलेज आ जाएगा। हम लोगों को तो नॉलेज आएगा, मतलब हम लोगों को तो मतलब फिर भी टेक नहीं जानते थे, वो सब करते थे दुकान में, लेकिन वो सब नहीं जानते थे आईसी का कैसे। लेकिन हम लोगों को नॉलेज इतना घोल के मतलब डाल देते हैं कि अंदर तक चला जाता है। मतलब जैसे एक आईसी को कैसे मतलब ट्रेस करना है, कहाँ पे कितना जीआर, कहाँ पे कितना क्या आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, वो नहीं आएगा तो कहाँ से ट्रैक करना है, वो सब हमको हम लोगों को देव सर मतलब ऐसे पढ़ा देते हैं। देव सर ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। मेरे को नॉलेज तो नहीं था ग्राफिक्स का, बहुत अच्छा लगे। तो प्रैक्टिकल क्लास में आके एक चीज़ आपने समझी है यहाँ पर? समझी सर। आईसी उठा के समझी? आईसी उठा के एक पेड चेक किया है? पेड चेक किया। फाइनल कहाँ पे जा रहा है ये भी पता है आपको? पूरा एंडलेस तक। मतलब नॉलेज कैसा मिल रहा है? बहुत बढ़िया सर। एंडलेस? जी बहुत बढ़िया। इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर, नहीं। वो ग्राफिक्स की आपने प्रैक्टिकल क्लास में आईसी उठा के चेक किया, पेड लाइन पूरी चेक? जी सर, जी सर। ठीक है। एसिएटेलिकॉम मतलब पैसा वसूल या कोई मिसिंग है उसका कैसे समाधान करना, पॉलिटिकल नॉलेज में क्लियर हुआ आज। प्रैक्टिकल क्लास में सारा सब कुछ किया आपने? जी बिल्कुल। डेडलाइन पूरी चेक करी? जी बिल्कुल। किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ? नो सर, नो। मैं खाली तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी क्लास की बात। पूरी क्लास की बात, किसी को भी डाउट? नो सर, नो 1% भी नहीं। कैसा लग रहा है सर प्रो लेवल? बहुत अच्छा सर। एसिएटेलिकॉम मतलब फुल पैसा वसूल। ग्राफिक आईसी में कौन सी आईसी से रिलेटेड है, और मतलब किसी प्रकार का? फिर आपका यहाँ पर आया, आपका प्रैक्टिकल हुआ, तो इसके बाद प्रैक्टिकल कर देगा बोर्ड से आईसी उठा के सारे जीआर चेक करके सारी चीज़ें समझी आपने? ये सर। अच्छा। इसके बाद फिर आईसी उठा के फिर चेक किया, ट्रेसिंग किया, चेक किया, इसके बाद फिर आईसी लगाया, जिसमें हमने ग्राफ्स का जीआर चेक किया, वोल्टेज चेक किए, आईसी उठा के उसके पैड भी चेक किए हमने, पैड GR चेक किया, पैड से पैड तक का कंटिन्यूटी चेक की।